नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं पूजा। डभौरा पुलिस के आतंकित आदिवासी महिला सियावती पति राम विधवा निवासी गोंता टोला डभौरा के द्वारा पुलिस अधीक्षक रीवा कार्यालय में आकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से अपना दुखड़ा रोया और आवेदन पत्र दिया कि उसे राम बिहारी शिक्षक निवासी औकरिया तथा थाना प्रभारी डभौरा एवं आरक्षक अरविंद यादव के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है और पुलिस आरक्षक अरविंद यादव के द्वारा कहा गया कि अगर मैडम को 50,000 नहीं दूंगी तो तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को राम बिहारी से रिपोर्ट लिखवा कर फर्जी केस में प्रकरण कायम कर दिया जाएगा। तुम्हारे द्वारा जो थाना प्रभारी और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई है उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, चाहे एसपी से मिलो या फिर डीजीपी से। आइए सुनाते हैं पीड़िता ने क्या कहा है। तो क्या नाम है? कहाँ से आई हूँ? किस लिए? क्या आवेदन? आवेदन में ये है कि 2019 में राम बिहारी पोल हमसे कर्ज लिया, बोला हमारा लोन पास हो जाएगा, हम आपको किस्त बाई किस्त दे देंगे। तो लड़के के खाता में लड़का का पासबुक लेकर और नंबर ले लिया, बोला हम किस्त बाई किस्त दे के पैसा डाल दें। अब डाले के बाद मौजूद है, दो चार दिन शांत रहा, उसके बाद वो एक दिन आके मेरे घर में राम बिहारी पोल, डॉक्टर चौहान और दो तीन लोग हैं तो उनको नहीं जानते थे, तो 2,00,000 है पैसा की वो लोग मांग किए थे, 1,00,000 1,00,000 पैसा की मांग किए थे। तो हम बोले हमारे पास अब पैसा नहीं है, अब मैं नहीं दूंगा पैसा। तो दो चार जम लोग आए थे तो गाली गलौज देने लगे, बोले अगर पैसा नहीं दोगी तो हम फर्जी केस में तुमको मुकदमा दायर करा देंगे। फिर मैं 2000 ये सब कथन होने के बाद मैं 1 जनवरी को थाना गए थे रिपोर्ट लिखवाने, तो कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। फिर अचानक 15 तारीख को मैडम हमको बुलाई तो हम गए, तो मैडम पूछताछ करके या बोले जाओ घर। फिर 16 तारीख को सुबह सुबह अरविंद यादव मेरे घर आया था और देर बाद हम कहा के अरविंद यादव कौन है? वो पुलिसा है, हाँ थाने का है। तो देर बाद हम कहा के बोले मैडम भेजी हैं हमें 50,000 दे दो तो हम आपका केस निपटारा करा देंगे, यदि नहीं दोगे तो हम फर्जी केस में मुकदमा कायम करा देंगे। क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी अच्छी तरह से जानकारी हो, जाँच हो और कार्रवाई होना चाहिए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।